ये तो कोलेस्ट्रॉल से निपटने की कुछ चीज़ें थी। आप देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ फैट लिपिड फाउंड इन द बॉडी एट एंड सर्टेन फोर्स, इट इज़ असेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन्स इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कौन से जो लिपोप्रोटीन्स है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो कौन सी इसमें होगी, तो हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आप जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि अपना ये वाला चेकअप कराइए, जो आपके कौन सा चेकअप कहलाता है, ये जो आपकी लिपिड प्रोफाइल जो कही जाती है, लिपिड प्रोफाइल करवाइए। ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल जब आप करवाते हैं तो उसके अंदर अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई आ जाए तो वो हमेशा याद रखना कि वो ये वाला कहलाता है LDL। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये वाला जो है आपका वो कहलाता है LDL इज़ ऑफन कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज हाई लेवल्स ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो ये कार्डियोवेस्कुलर की तरफ आता जाता है, इसका मतलब है शरीयाने तंग हो रही हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपका हाई HDL वाला जो है वो हाई हो गया तो उसका मतलब है कि आप सेहतमंदी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी भी लिमिट होती है जो भी नीचे आने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इतने % और इससे ज़्यादा जो है वो आपका अच्छा होगा। आप भी डॉक्टर हैं क्या या इस केमिस्ट हैं? अच्छा, हाँ। What is the primary function of cholesterol in the body? ठीक है, primary function cholesterol का क्या होता है body के अंदर? To provide energy, to build and maintain cell membranes, to regulate blood pressure, to aid in digestion. तो to build and maintain cell membrane, ये जो है आपको पता है कि एक दीवार, एक जो है cell membrane के गिर्द एक ये चीज़ जो है ये create करता है और यही इसका काम भी है, to build and maintain cell membrane. Cholesterol plays a crucial role in building and maintaining the structure of cell membrane in the body. Where is cholesterol primarily synthesized in the body? तो सबसे पहले जो ये synthesized होता है liver के अंदर ही होता है। ठीक है, liver, kidneys, lungs and stomach के options आपके पास दिए हुए हैं, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि लिवर के अंदर होता है, क्योंकि खुदा ना करे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और लिवर उसका कभी कहते हैं कि चेक कराओ तो कभी उसका वेट या इस तरह का लिवर आ रहा होता है तो वो उसको प्रॉब्लम जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से कि वो नहीं कर पा रहा होता या कुछ इस तरह की उनको आदत होती है इस तरह की चीज़ें खाने की या उस तरह, तो फिर जो है वो चीज़ आ जाती है। तो बेहतर है कि एहतियात कर लें, और एहतियात करें तो फ़िश ऑयल्स कहे जाते हैं, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर जो पौधों से निकलने वाले ऑयल्स हैं वो कहे जाते हैं कि वो वाले ऑयल्स आप इस्तेमाल करें। ठीक है, द लिवर इज़ प्राइमरी साइट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज इन द बॉडी, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। व्हाट इज़ रिकमेंडेड लेवल ऑफ HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल? तो द हायर द बेटर, द लोअर द बेटर, अराउंड 50 mg/dL और हाई फॉर वुमेन एंड 40 mg/dL। ठीक है, mg जो है वो मिलीग्राम के लिए और DL किसके लिए है? डेसीलीटर के लिए है, और हायर फॉर मैन बिलो 30 mg/dL। तो इसका सही जवाब होगा अराउंड 50 mg/dL और हायर फॉर वुमेन। वुमेन में याद रखना इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वुमेन की बॉडी इस टाइप की होती है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल दरकार होता है। मर्दों के लिए अलबत्ता कहा है 40 mg यानी 50 जो है ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए 40। ठीक है, 40 mg/dL और हायर फॉर मैन। ठीक है, इससे या इससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ये जो इसमें नोट करने वाली बात है वो क्या? हायर का है, या तो इतना हो या इससे ज़्यादा हो। हाँ, उन्हें कहा जाता है कि बहरहाल एहतियात रखें, तो वो इसीलिए आपको एक नाप तोल दे दिया है, लेकिन ये अपनी अपनी बॉडी के ऊपर भी होता है कि अगर आपकी हड्डी चौड़ी है या आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है एनर्जी की तो फिर उस लेवल के लिहाज से वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। Explanation: High levels of HDL cholesterol are associated with reduced risk of cardiovascular disease। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे ये हाई होता चला जाएगा HDL, ये LDL नहीं है, HDL है, जैसे ज़्यादा होता चला जाएगा तो फ्रूटफुल है, लेकिन अगर LDL हायर होता जाएगा तो फिर क्या है, ये बात याद रखना, ख़राब है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, What is the primary dietary source of saturated fats that can raise LDL cholesterol levels? कौन से ऐसे प्राइमरी डाइटरी सोर्स होते हैं जो इन चीज़ों को ज़्यादा कर देते हैं? नट्स, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेड मीट एंड फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स. अब देखना इसके अंदर जो सारे लाइन से आ रहे हैं नट्स कहाँ से आता है? पौधों से आता है, ठीक है, प्लांट से आता है. एवोकाडो कहाँ से आया? प्लांट से. ऑलिव ऑयल कहाँ से आया? प्लांट से. तो एक ही रह गया, रेड मीट एंड फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये एनिमल से आता है, ठीक है. तो ये जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है एलडीएल के लिए, जो है रेड मीट एंड फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आर सोर्सेज फॉर सैचुरेटेड फैट्स विच कैन रेज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस. यानी पाए, निहारी, ये वाली चीज़ें जो खाने की होती है ना, ये वाली खाएं तो फिर हाँ एहतियात करनी चाहिए. पुराने वक्तों के लोग होते थे, मैं कहती थी कि जब वो ये चीज़ें खाते हैं या खाते थे तो वो उनको कंज्यूम भी कर लेते. औरतें हैं या मर्द हैं, ठीक है, मर्द भी मेहनत का काम कर रहे होते थे, उनकी ड्यूटीज़, उनकी जॉब्स इस टाइप की होती थी कि वो कंज्यूम करते थे. और औरतें घर में ही, यानी सेल होती थी, सेल के अंदर ही वो पूरी पावर लगा रही हैं या खुद ही अपनी सफाई, झाड़ू सफाई, जो भी इस तरह के काम वो कर रही होती थी, वो पूरा कंज्यूम. अभी ऐसा नहीं होता. अभी अब वो ग्राइंड भी कर रही है तो उन्होंने सिर्फ एक बटन दबाया, ग्राइंड हो गया. तो वो सेल में जो पावर लग रही होती थी वो पावर उनकी नहीं यूज़ हो रही, वो अपना कंज्यूम नहीं कर पा रही होती. इसलिए एहतियात रखनी चाहिए. अच्छे तो लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं ये खाने, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ, ठीक है. विच लाइफस्टाइल फैक्टर कैन लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? स्मोकिंग, ठीक है. कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर आपका ऐसा है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मददगार हो सकता है? क्या स्मोकिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हाई अल्कोहल कंजप्शन या एक्सेसिव स्ट्रेस? कौन सी ऐसी चीज़ है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें. और मर्दों के लिए तो अमूमन ये होता है कि वो साइकिलिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें या वॉक जितना कर सकते हैं, ठीक है. और अक्सर आपने पार्क्स वगैरह में या कहीं गए होंगे तो देखा होगा कि वो साइड में अब तो ख़वातीन भी कर रही होती हैं, जॉगिंग कर रही हैं या टहल रहे हैं तेज़ तेज़. तो वो कहा जाता है कि उसकी वजह से भी पूरी आपके वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका पूरा जिस्म, पूरी बॉडी वर्कआउट करती है और जहाँ पे भी आपकी जो भी चीज़ जमी हुई होगी या इस तरह की होगी वो आपका जो है वो, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा वॉक ज़रूर कीजिए. और अगर कोई बूढ़ा आपके घर में और आप पे नहीं नहीं नहीं, नहीं लेट जाओ, तो मना किया जाता है कि ऐसा नहीं कीजिएगा. इनके साथ अगर ये चल रहे फिर रहे हैं तो उनको आप कोशिश कीजिए कि ये चलते फिरते रहें, वरना क्या होगा कि एक जगह जम जाएंगे इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं या इनके वो जो हैं. तो उनको मूव करने दीजिए, उठने बैठने, इनको कोशिश कीजिए कि ये चले फिरें या इस तरह का करें. तो एक्सप्लेनेशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प रेज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है. फिजिकल एक्सरसाइज आप कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत ज़रूर कोशिश करें कि करते हैं. व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? मेडिकल टर्म क्या होती है? हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लोमेसिया, एनीमिया. तो क्या हो सकती है इसकी? लिपिड से ही रिलेटेड है तो लिपिड वाला ही जो है इसके साथ होगा, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया. हाइपरलिपिडेमिया रेफर्स टू एलिवेट लेवल्स ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कंटेन प्लांट स्टेरोल? देखो प्लांट स्टेरोल का भी मैंने तस्करा किया था. दैट कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. एग्स, स्पिनच, मार्जरीन विद एडेड प्लांट स्टेरोल्स, बटर. तो क्या हो सकता है इसके अंदर? मार्जरीन विद एडेड प्लांट स्टेरोल्स. एग्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा ऑलरेडी होती है जमाने वाली चीज़. और ऐसी स्पिनच के अंदर भी कहा जाता है कि वो वाला फ़ायदा आपको नहीं पहुंचेगा. मार्जरीन विद एडेड प्लांट स्टेरोल्स, ये जो प्लांट्स आपको सोयाबीन का ऑयल कहा जाता है, ऑलिव ऑयल कहे जाते हैं, ये वाले जो ऑयल्स हैं ये इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कहा जाता है कि होता है. मार्जरीन आई डोंट नो, ये लोग कहते हैं या तो ये मार्जरीन जो है ये प्लांट से आपका लेके बनाया जाता होगा या उसके ऊपर लिखा हुआ होता होगा कि ये प्लांट से लिया गया और उससे लेके बनाया गया, क्योंकि एनिमल्स के थ्रू या आर्टिफिशियल तरीक़े से और जो आप यूज़ करते हैं वो तो हार्मफुल होता है. अब यहाँ पे अगर ये दे रहे हैं तो इट मीन्स के ये मार्जरीन कुछ वेजिटेबल से जो चीज़ें बनती हैं, वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उसमें ये जो है ये होता है. Margarine with added plant sterols is one example of food that can help lower LDL cholesterol levels when consumed as a part of a balanced diet. What is the role of cholesterol in the formation of atherosclerotic plaques? अब plaques बनने का जब सवाल आ गया तो फिर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. इट प्रिवेंट्स प्लाक फॉर्मेशन, ये प्रिवेंट करता है प्लाक फॉर्मेशन को. इट डिजॉल्व्स प्लाक्स, इट कंट्रीब्यूट्स टू प्लाक बिल्ड अप इन आर्टरीज, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन प्लाक्स. क्या कर सकता है ये कोलेस्ट्रॉल, इट कंट्रीब्यूट्स टू प्लैक बिल्डअप इन आर्टरीज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा डेफिनेटली ये प्लैक करता है, ये रोकता है खून को, दौरान खून को चलने से उसका रास्ता रोकता है, बंद करता है। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू प्लैक बिल्डअप इन आर्टरीज। कोलेस्ट्रॉल स्पेशली LDL कोलेस्ट्रॉल कैन कंट्रीब्यूट to the formation of atherosclerotic plaques in arteries when it accumulates in excess. Understanding cholesterol and its role in health is essential for making informed dietary and lifestyle choices to maintain cardiovascular health. अगर अपने cardiovascular दिल के मुतालिक आप इनकी शरियानों के मुतालिक health का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको cholesterol के मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें जाननी चाहिए। लीवर के मुतालिक भी हमें कुछ चीज़ें पता चली, लेकिन लीवर के मुतालिक हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, vitamins and minerals पे आ जाते हैं जनाब। Which of the following is a fat soluble vitamin? कौन सी vitamin ऐसी है जो fat soluble vitamin है? बग़ैर ऑप्शंस के ही हम जो है वो गैस कर सकते हैं कि जब हम धूप में जाते हैं तो धूप में जो हमें कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप लीजिए, डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप लीजिए, तो वो क्या है आपकी थोड़ी सी चर्बी भी पिघलेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, थोड़ी सी बॉडी मूव करेगी, तो वो मूव करने की सलाहियत में आती है, एनर्जी जो है वो हमारी उस कंडीशन में वर्किंग कंडीशन में आती है। तो विटामिन सी ऑप्शन है आपके पास, विटामिन B6, विटामिन D, विटामिन B12, तो डेफिनेटली विटामिन D। विटामिन D इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन मीनिंग इट डिसॉल्व्स इन फैट एंड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी? ठीक है, विटामिन D का तो थोड़ा बहुत आपको पता चला, विटामिन सी का बताइए कि क्या रोल होता है? प्रोमोटिंग बोन हेल्थ, एडिंग इन ब्लड क्लॉटिंग, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन सी डेफिनेटली जो थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे होते हैं तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप भाई ऑरेंज खाइए, आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसके अंदर विटामिन सी, लेमन का जूस लीजिए, ठीक है, ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें विटामिन सी जो है वो ज़्यादा होता है। विटामिन सी इज़ नोन फॉर इट्स रोल इन सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम एंड इज़ एसेंशियल फॉर कैलोजिन फॉर्मेशन। कैलोजन का जहाँ नाम आएगा वहाँ किसका नाम आएगा? विटामिन सी। ठीक है, कैलोजन जो है वो विटामिन सी से रिलेट करता है। विच मिनरल इज़ क्रूशल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ? कौन सा ऐसा मिनरल है जो हेल्दी बोन्स एंड टीथ की तरफ आपको लेके जाएगा? तो बोन्स से जो आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्या सजेस्ट करेंगे? आयरन, जिंक, कैल्शियम या मैग्नीशियम? कैल्शियम की गोलियाँ चबाने के लिए देते हैं ना, ठीक है, तो वो कैल्शियम की गोलियाँ, तो वो कैल्शियम फ़ौरन आ जाना चाहिए दिमाग में कि बोन से रिलेटेड है, टीथ से रिलेटेड है, दांतों में कहते हैं निशान पड़ा है, ठीक है, पीला सा निशान आ जाता है जिसकी वजह से वो कहते हैं कैल्शियम की कमी हो रही है, बच्चों के अक्सर देखा है वो इस तरह के निशान आ जाते हैं या नाखूनों पर आ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के, तो उनसे कहते हैं कि भाई आप कैल्शियम यूज़ कीजिए, तो कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं। कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ एंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मसल फंक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग। ठीक है, विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? ठीक है, कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन कहते हैं? डेफिनेटली सूरज के लिए आपसे कहा जाता है धूप लीजिए, या बच्चे को आप धूप लगाइए, इसको थोड़ा सा विटामिन डी दीजिए तो इसके अंदर थोड़ा सा ये चीज़ बिल्टअप होगी, तो वो विटामिन डी है। विटामिन ए, सी, डी और ई के ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, विटामिन डी होगी डेफिनेटली। विटामिन डी इज़ ऑफन कॉल्ड द सनशाइन विटामिन बिकॉज ये बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि वैसे तो ये बात कही जाती है कि अगर आप बच्चे को धूप लगा रहे हैं, जैसे बॉर्न बेबी है, या वैसे आप अगर कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई कि जिनको वो धूप इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, उनको नुकसान, उनको लगता है कि हो सकता है वो ब्लड प्रेशर के या किसी चीज़ के मरीज़ हों, तो वो सर पे लगता है, तो वो डेफिनेटली ख़तरा हो सकता है, तो उस वजह से उनको एहतियात के तौर पे कहते हैं कि आप वो वाली धूप लीजिए सुबह की कि ना बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई होती है और ना बिल्कुल ही उस वक्त अंधेरा होता है, तो वो जो एक इस तरह मिला जुला सा वो टाइम होता है, तो उस वक्त हल्की हल्की धूप भी उनको लग जाए और एक यानी वो कंट्रोल में भी आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने धूप में लोगों को काम करते देखा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उनके जो मसल्स हैं या उनके नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो एसी में बैठ के या इस तरह करके जो अपनी जॉब्स दे रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो उनमें वो बीमारियां ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उन लोगों के जो आपने देखा कि एक मज़दूर है, उसको जहाँ भी वो थका हारा, दिन का वो दिन भर धूप में जला है, जो भी हुआ है उसने काम किया, और उसके बाद जब वो लेट के सोए, कहीं भी ज़मीन उसे मिल जाए, ज़मीन पे जगह मिल जाए तो वो ज़मीन पे ही लेट के सो जाएगा। लेकिन अगर आप आराम वालों को देखें जो आराम से AC में बैठे काम कर रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो टैबलेट ले रहे हैं या कुछ को इस तरह की चीज़। तो ये हमेशा कहा जाता है नेचर के ऊपर जो काम करेगा, नेचर के साथ जो होगा वो ज़्यादा। तो वो धूप जो है, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब लोग इसके लिए फिर रहे होते हैं कि भाई पंखा नहीं है हमारे पास या ये नहीं है, और बाहर अगर आपने देखा कभी रिक्शा ड्राइवर्स को आप निकल जाएं, कभी कहीं जा रहे हो और आप घर से इस हालत में खुद ये करते हुए, यानी अपनी फीलिंग अगर आप बताएं, शेयर करें किसी को कि मैं घर से इस तरह AC से हम कमरे से बाहर से निकल के आ रहे हैं और बाहर हम देख रहे हैं कि वहाँ रिक्शे वाला बगैर पंखे के, बगैर उसके कितनी धूप के अंदर वो खड़ा हुआ है और वो अपनी ड्यूटी जो है, दुकान पे लोग हैं या चाहे वो दूध वाला हो गया, चाहे वो या आपका ग्रॉसरी वाला हो गया, कोई भी हो गया, यानी इस तरह से कि वो लोग मौजूद होते हैं, पंखे वहाँ नहीं होते या इस तरह से, और वो अपनी काम जो है वो सिलसिला उनका रोज़गार बंधा हुआ होता है। और उनकी एनर्जीज़, अगर एनर्जी लेवल आप देखें तो एक वो वाला आदमी जो एक अपने कंधे के ऊपर, आप फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, सेकेंड फ्लोर पर रह रहे हैं, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जो है वो फ्रिज पूरा उठा के, एक आम आदमी के लिए शायद जो है वो लोग 2-3 भी उठा के वो फ्रिज नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वो अकेला अपनी पीठ के ऊपर लाद के वो जो ले जा रहा होता है, और भारी भारी जो है वो, किस तरह एनर्जी लेवल इनके कितने ज़्यादा होते हैं। और खाने के लिए अगर आप ग़िज़ा देखेंगे इनकी, तो होल्स जिसे हम कहते हैं, चने या चने के पूरे पूरे वो जो होते हैं ना, वो इस तरह के, वो कहते हैं वो घोड़े को भी खिलाए जाते हैं तो घोड़े के अंदर जो ताकत होती है वो भी कितनी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के बाज़ औक़ात कुछ चने ही इनकी जेब में रखे हुए होते हैं या निकालते हैं और वो उसके साथ खा लेते हैं। तो बहुत सारे प्याज, इन्होंने क्या की कि इनके पास पलंग होता है या वो होती है, उसके ऊपर यूँ करके मारी तो प्याज खिल जाती है फ्लावर की तरह से, ठीक है, और वो रोटी के साथ उन्होंने बैठ के खा ली, तो उसके अंदर कितनी ताकत होती है। तो वो बहरहाल जो नेचर से करीब होता है, अल्लाह ताला फिर उसको नवाजता भी वैसे ही है। और वो ये समझने वालों के लिए चीज़ें हैं, ठीक है, कि अगर समझेंगे आप जो है, हम इस तरफ आ रहे हैं, हम पढ़ लिख के जो है बहुत सारी चीज़ों से गुजर के हमने वो सारी चीज़ें इस्तेमाल, थोड़ी सी एहतियात कर लें, हम चाय के आदी हो गए। अगर हम सोचें कि नहीं, हम थोड़ा सा क्या करें, जिस तरह मैंने अभी बताई कि एक और भी मैं आपको बता दूँ, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से अभी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक और ट्रिक भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने बताया कि हामिम दस्ते के अंदर, ठीक है, अगर किसी तरह से आपने लहसुन जो है वो कुचल लिया, उसको वो कर लिया छोटे से, और अगर आप उसको थोड़ी सी आप फ्राइंग पैन में या तवे के ऊपर किसी तरह आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, तो वो रोही शक्ल में होगा, थोड़ा सा बिल्कुल पकने नहीं पाएगा। वो चटनी जिसे हम कहते हैं, शायद आपने बेसन की रोटी के साथ कभी अगर खाई हो या उस तरह से, तो वो उसका जायका वो अलग होता है, लेकिन वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है इस सिचुएशन के अंदर। कोलेस्ट्रॉल में कहा जाता है लहसुन के लिए कि वो लहसुन इलाज के तौर पर सामने आता है, तो वो लहसुन किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का भी है एक, के अगर किसी के घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, तो वो क्या करें, अगर फौरी तौर पे वो कोई गोली टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं मिल रही है आपके घर में या नहीं है, कोई लेगा जाएगा लेकर आएगा, वो टैबलेट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इतनी देर में या तो घर के अंदर से आपको फ्रिज के अंदर से पुदीना मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आप नुक्कड़ वाली दुकान से जाके पुदीना ला सकते हैं। पुदीना लाएं, उसको थोड़ा सा ग्राइंडर में आप सिर्फ उसको ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा पानी इतना सा डालें कि वो ग्राइंड हो जाए बस, और उसको ग्राइंड कर लें, काली मिर्च छिड़क के फौरी दे दें। 5 मिनट के अंदर अंदर जो ब्लड प्रेशर है 5 से 10 मिनट के अंदर वो फ़ौरन कंट्रोल में आ जाएगा। जब तक उसकी दवा आएगी तब तक वो अच्छी खासी कंडीशन में आ चुके होंगे। पुदीना आपको पता है पुदीने के अंदर क्या होता है, मेंथोल होता है ना, वो फौरी जी हाँ। इलायची का तो मुझे पता नहीं, इलायची नज़ले के लिए मैंने सुना है कि इलायची में थोड़े से चीनी के दाने खा लें और आपको फंदा लग रहा हो या नज़ले की वजह से आपका गला पसरा हो या कुछ इस तरह का हो, तो वो फौरी कहते हैं कि इलायची के साथ थोड़े से चीनी के दाने जो हैं वो फ़ौरन खिला दें, तो वो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है उसको। तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं आपको जो ट्राई की हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पुदीने के पत्ते, हम मेरी अपनी मदर इन लॉ हैं, तो उनके साथ कभी ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या वो दवा खाती हैं, वो अवेलेबल है नहीं है, तो फौरी तौर पर उनको हम जो है वो इस तरह कर देते हैं कि पुदीना जो है वो करके और उसमें काली मिर्च डाल के और वो हम उनको दे देते हैं, तो काफ़ी रिलीफ हो जाता है उससे, ठीक है। तो वो उनको काफ़ी सिवियर होता है, उनकी नाक से भी जैसा खून ना इस तरह से वो हो जाता है, तो वो उनको हम फौरी तौर पे दे देते हैं, तो वो काफ़ी रिलीफ उनको मिल जाता है। एक तो ये, और दूसरी जो लहसुन वाली जो मैंने बताई थी, तो वो लहसुन भी इसी तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसको उसमें कुचल के और उसको थोड़ा सा फ्राई किया और फिर उसके चटनी के तौर पर खा लिया या जैसे भी आप बना रहे हैं उसके साथ, तो वो इस तरह से यूज़ कर लिया, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं विच मिनरल इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी होती है, तो ऑप्शंस देखिए आप, आयरन, जिंक, पोटेशियम, अंसेलियम। अब आप ये बात हैरतनाक आप होगी आपके लिए कि आपकी बॉडी को मिनरल्स की, वो वाले मिनरल्स की भी ज़रूरत है जो मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी को बड़े ही एक अजीब यानी गौर व फिक्र की बात है कि आयरन भी हम यूज़ करते हैं, आयरन भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिंक भी हम इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम सिल्वर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। बहुत से लोग पता नहीं इस वक्त पान कहाँ से दिमाग में आ गया, पान भी है कि उसके अंदर भी जो होता है तो वो गोल गोल उसके अंदर पड़ी होती है और सिल्वर की बॉल्स और वो होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं वैसे घरेलू एतबार से आपको बताऊंगी कि घरेलू एतबार से जो हमेशा से पुराने खाने पकते रहे तो उसके अंदर जब भी कोई मीठा बनता था तो मीठे के ऊपर एक चांदी का वरक जो है वो ज़रूर उसके ऊपर जो है, वो खीर बन रही है तो खीर के ऊपर एक चांदी का वरक जो है वो ज़रूर उसके ऊपर डाला जाता था, टिकियाँ बन रही हैं तो टिकिया के ऊपर जो है वो ज़रूर रखा जाता था, तो मीठे के ऊपर वो जो है वो जर्दा है इवन तो जर्दे के ऊपर भी वो लगा देते थे चांदी का वरा, तो वो चांदी हम वैसे भी खाते हैं। एक तो ये घरेलू जो हमने बनाई डिशेस उसके ऊपर, और प्लस ये कि अगर जो लोग जो है वो बहुत हिकमत की दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो उनके यहाँ भी जो दवाएं होती हैं उसके अंदर भी वो कूट के कोई वो मुरब्बे या इस तरह के वो आते हैं, बड़े मज़े मज़े के होते हैं, खैर वो तो वो चीज़ें भी होती हैं, वो भी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसने देखा होगा कि चांदी उसके अंदर बाकायदा डली भी होती है, वो वरक जो है वो कूट के और इस तरह करके डाले हुए और मिक्सिंग किए हुए होते हैं तो वो बड़े मज़े के लगते हैं, और वो चांदी बाकायदा ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ भी है नोट करने वाली कि कितने मेटल्स हैं जिनको हम ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं।